फैमिली अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुबामीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। जैसे कि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में फिश का मजा बहुत दुबाला हो जाता है, तो मैंने आज कौन सी फिश की रेसिपी शेयर की है? जी हाँ, बिल्कुल लाहौरी तवा फिश फ्राई। लाहौर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में मजेदार किस्म की लाहौरी फिश फ्राई का मजा उठाइए। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से कितनी गली हुई, ये देखिए कितनी सॉफ्ट अंदर से, ये देखिए, और अंदर तक इसके मसाला आप देख रहे हैं, अंदर तक इसके मसाला गया हुआ है, ये जानने के लिए। और ऊपर से इतनी क्रिस्पी क्रंची है, ये देखें मुंह में पानी आ रहा है। ये जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई है आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा किचन क्लोजअप में। चलें फिर हम चलते हैं और आप सबके लिए मजेदार किस्म की लाहौरी तवा फिश फ्राई तैयार करते हैं। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म फिश का मजा ही अलग है, तो हमने सोचा लाहौरी फिश बनाई जाए। उसके लिए सबसे पहले हम ये मसाला तैयार कर लेंगे लाहौरी फिश फ्राई। एक डोंगा लेंगे, इसके अंदर मैंने डाल देना है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले हम इसके स्पाइसेस तैयार कर लेंगे ताकि हमें इजीली मैरिनेट करने में आसानी हो। और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, हल्का हल्का सा मैंने इसको क्रश कर लिया था, और बेसन 2 टेबल स्पून, गरम मसाला जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, अजवाइन जाएगी 1 टीस्पून, कसूरी मेथी जाएगी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून, ये देखिए 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर चला जाएगा इसके अंदर, पिसी भी लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून भर के, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक भी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर जाएगा 1 टीस्पून, ठीक है जी। 3 to 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर लेमन जूस डाल के देंगे, और क्रश की भी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। हम इसको बनाएंगे भी सरसों के तेल में, बड़े मजेदार किस्म की बनने वाली है। अब हम इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई हो गया, अब हम इसमें हल्का सा पानी का छींटा देंगे, ज्यादा नहीं, यानी कि आप डाल दें कोई 2 से 3 टेबल स्पून के लगभग पानी दें। इस तरह करके इसको हमने बस इस तरह का पेस्ट ही कर लेना, ये देखिए, ठीक है। चलें अब हम इसको फिश में अच्छे से मसाले को मैरिनेट, ये देखिए मैंने 1 से 1.5 किलो का पीस लिया है फिश का, ये देखें इस तरह करके मैंने इसको बीच में से साफ करके इसको साबुत लिया, ये देखें पीस मैंने इसके नहीं कराए, काला रहू ये मछली है, ये लिया ये मैंने फिश, ठीक है जी। ये देखें इस तरह साबुत हो गई, और ये इस तरह खोल दिया, तो चले अब हम इसके अंदर लगाते हैं मसाले, ठीक है। फिश को फ्राई करेंगे, सरसों का तेल मैंने डाल दिया, अच्छे से ये गर्म हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर छोटा सा आटे का टुकड़ा डाल देंगे ताकि जो भी इसका ग्रीस वगैरह वो होगा कालकपन, वो आटा जस्ट कर लेगा, तेल पकने की निशानी होगी, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, फिर हम सरसों के तेल को खाने के लिए या फ्राई करने के लिए बनाते हैं। चलिए जी ये देख रहे हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम फिश लेंगे अपनी जो मैरिनेट की भी रखी हुई थी हमने, अभी हम इसके ऊपर इस तरह करके डाल देंगे, और ऑयल को भी इसके ऊपर करके डाल देते हैं। फ्लेम अब हमने हल्की कर दी है, 2 to 2 मीडियम हीट पे हमने इसको फ्राई किया। Thank you.
थोड़ा सा केयरफुली, क्योंकि तेल है बहुत अच्छी आ रही है सरसों के तेल की। बस मैं आपको ये दो पौधे मैं खिला नहीं सकती, आप लोग को दे रहा है ट्राई करिए, देखिए बहुत मजेदार किस्म की मछली बन गई। जनाब मजेदार किस्म की हमारी लॉली तवा फ्राई खाने के लिए तैयार हो चुकी है। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया है, और ये देखिए अंदर से भी अच्छे से गल चुकी है, और ये देखिए कहीं से भी टूटी नहीं है, कुछ भी नहीं, मसाला इसके अंदर तक गया हुआ है। मैं भी आपको सर्व करती हूँ तो तोड़ के भी दिखाऊंगी। चले जी अब हम इसे करते हैं डिश आउट। गर्मा गर्म लोहरी तवा फिश फ्राई हमारे खाने के लिए तैयार है। लाहौर जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही बनाइए अपने किचन में और मजे लेके खाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। इसको मैंने सर्व किया इमली की चटनी के साथ, जो कि मैंने शक्करकंदी के साथ आपको बनाना सिखाई थी। चले फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।